सफर को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए NHAI और यातायात पुलिस द्वारा जिले भर में चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट को बंद कराया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को टीम ने मोहम्मदाबाद स्थित कट को ग्रामीणों के विरोध के बीच बंद करा दिया। यातायात प्रभारी गगन गौड़ के नेतृत्व में NHAI और थाना पुलिस मोहम्मदाबाद पहुंची, जहां ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित किए गए कट को बंद कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तभी ग्रामीण एकजुट होकर मौके पर आ गए और उन्होंने कट बंद कराए जाने का विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क के उस पार उनके खेत हैं, जहां अनाज चारा लाने के लिए उन्हें ट्रैक्टर ट्राली से जाना पड़ता है। कट बंद हो जाने के बाद उनका आना जाना बंद हो जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसे ब्लैक स्पॉट बताते हुए बंद करा दिया। यातायात प्रभारी ने बताया कि कट को बंद करा दिया गया है। विरोध करने आए ग्रामीणों को भी समझाया गया है। इस मौके पर इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार समेत FH चौकी इंचार्ज जितेंद्र कुमार, कस्बा इंचार्ज योगेश नागर, भैयालाल आदि उपस्थित रहे। नाम है सर आपका? हरिओम जी। जो अभी यहाँ पे मामला हुआ है, जो रोड को लेके क्या मामला था, पूरी बात बताएं। ये कट बंद करने के लिए आए थे। कौन आए थे? NH2 वाले। अच्छा। फोर्स को लेके आए यहाँ पर। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हमारे मोहम्मदाबाद के लिए रास्ता बंद है, जमीन इस तरफ है, गांव उस तरफ है, ट्रैक्टर लेके चारा लेके बोझ पे गठरिया न्याल लेके भुस लेके ढोके निकलेंगे, कहाँ है कि लाख कैसे किलोमीटर लेके निकलेंगे। प्रशासन से इनने बुला लिया, रिक्वेस्ट किया है कि हमारा समाधान कर दो, हमें कोई ऐतराज नहीं हुआ रोकने से, हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए, ये हमारी समस्या। तो आपको क्या आश्वासन मिला है? हमें ये मिला है आश्वासन के सर्विस रोड बना रहे हैं। मैंने सर्विस रोड से क्या हमारी समस्या हल हो जाएगी? सर्विस रोड बनाओ, हमें यहाँ पर पुल चाहिए नीचे वाला, जो ट्रैक्टर और वो भोए भोए सब निकले, पशु निकले हमारे, सारी जमीन गांव की जा सकती है। तो क्या क्या बोला उन्होंने? ये बोला है कि सांसद से कहो, विधायक जी से कहो, तब बनेगा। मतलब बंद कर रहे हैं ये? हाँ, अबे हमने रिक्वेस्ट कर लिया है कि हमें नहीं बंद कर रहे।